थक हार कर किसान बैठने ही वाला था कि एक छोटा सा बालक उपस्थित हुआ और मदद की पेशकश की। किसान ने एक पल उसकी छोटी उम्र के मद्देनजर उसे आश्चर्य के भाव से देखा तथा फिर हाँ कर दी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ, मौन की शक्ति। हम सभी को ये पता है कि मौन एक शक्ति होती है जिसे हमें समय समय पर महसूस करना चाहिए। हमारे जीवन में मौन का बड़ा महत्व है। किसी विवादित स्थान पर चुप रहना विजय दिला देता है। यदि व्यक्ति स्वयं के समय के अनुकूल परिवर्तन लाना चाहता है तो वह मौन रहना सीखे। यह व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक शक्तियों को मजबूत करता है। दिमाग के सर्वोत्तम विकास के लिए मौन रहना जरूरी है। मौन ही किसी कार्य में एकाग्रता लाता है तथा चुप रहने से हम अधिक सोच पाते हैं। मौन रहने का अर्थ स्वयं की आंतरिक शक्तियों से वार्तालाप करना है। मौन की महिमा अपरंपार है। कई बार जो संदेश मौन के माध्यम से दिया जा सकता है उसकी तुलना शब्दों से नहीं की जा सकती। कठिन पलों में आदमी शब्दों या वार्तालाप में उलझकर रह जाता है। कई बार और भ्रम की स्थिति उभरकर सामने आ जाती है। इसीलिए नपेतुले कम से कम शब्दों में बात की महत्ता प्रतिपादित की गई है। मौन इससे भी एक कदम आगे है, बशर्ते आप स्वयं में संदेश की काबिलियत का विकास व्यक्तित्व में भर सके। एक बार एक किसान की कीमती घड़ी भूसे के एक बहुत विशाल ढेर में कहीं खो गई। उस घड़ी का उसके लिए भावनात्मक मूल्य था। उसने खूब खोजा, यहाँ तक कि मैदान में खेल रहे बच्चों को इनाम शर्त पर ढूंढवा कर भी उसे खोज नहीं पाया। उल्टे भूसा सब ओर फैल गया। अंत में जब थक हार कर किसान बैठने ही वाला था कि एक छोटा सा बालक उपस्थित हुआ और मदद की पेशकश की। किसान ने एक पल उसकी छोटी उम्र के मद्देनजर उसे आश्चर्य के भाव से देखा तथा फिर हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद देखा कि बच्चा घड़ी लेकर हाजिर हुआ तथा किसान की हथेली पर रख दी। पूछे जाने पर बालक ने बताया कि मैंने अधिक कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि धरती पर कान गड़ाकर बैठ गया ताकि उस मौन वातावरण में घड़ी की टिक टिक सुन सकूं। बात का निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि अस्थिर मस्तिष्क से सधा हुआ मौन भी शांत मस्तिष्क अच्छी तरह सोच सकता है। अतः दिन में कम से कम एक बार अवश्य शांत तथा मौन रहकर अपने अंदर की आवाज सुने, मन मस्तिष्क को साधे, यही से आपको जीवन को साधने का मंत्र प्राप्त होगा। याद रखिए, सच्ची ताकत न केवल हमारे शब्दों में बल्कि उनके बीच के ठहराव में भी निहित है। मौन की शक्ति को अपनाएं और इसे आपको अधिक जागरूक और पूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन करने दें। जुबा बात करे, होंठ हिले, क्या जरूरी है, पैगाम देती है खामोशी, तुम्हें क्या मालूम। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो तो अधिक जानकारी पूर्ण सामग्री के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।